रेड एफएम पे। संडे 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 आज तो संडे है। बॉली 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 डाली डाली वीकली डोज अनिमेश के साथ। आज तो संडे है। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर जाते रहो। डोंट वरी, हरिओम हरी। 6:10 हो गया है टाइम। नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम कोलकाता। मेरा नाम है अनिमेश और लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए आज तो संडे है का दूसरा घंटा। जी हाँ, एक घंटा जा चुका है, दूसरा घंटा ऑन है, तीसरा घंटा ऑन द वे है। और इस घंटे मेरे यानी कि अनिमेश के रूबरू हो रही है नन अदर देन एक्ट्रेस पावली दाम। उनके साथ मेरी बातें हुई थी, उनकी मूवी जो है होई चोई बस से रिलीज होने वाली है। तो मेरे साथ उनकी जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे ढेर सारे सवाल पूछे इस मूवी को लेके। मैंने पूछा उनके कैरेक्टर के बारे में, उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। हुई फिल्म में आमार कैरेक्टर का नाम पियाल, मैं तो थिएटर डायरेक्टर प्ले कर रही थी। मैं थिएटर डायरेक्टर, शी वांट्स टू बी अ थिएटर डायरेक्टर, शी एस्पायर्स टू बी दैट। এবার ওরা একটা বড় মানে আমার আমি ছাড়া আরো যারা রাহুল আছে, প্রিয়াঙ্কা আছে, ওদের যে ক্যারেক্টার, আমরা একসঙ্গে একটা বড় দলে নাটকের দলে কাজ করতাম মানে শিওর থেকে নতুন যারা থাকে আর কি, তাদের তো বেসিক্যালি ব্যাক স্টেজ কাজগুলো দেওয়া হয়, প্রপ বয় তারা এইসব করে আর কি। মেন লাইমলাইটে আসা, হয়তো নাটকটা লেখা কিন্তু অভিনয় করা স্টেজে, সেই সুযোগটা ওরা পেত না। যার জন্য বেসিক্যালি ইট কেটার্স টু দ্য ইয়াং জেনারেশন, দ্য ইউথ, তারা জীবনে একটা কনস্ট্রাকটিভ কিছু করতে চাইছে, থিয়েটারটা ব্যাকড্রপ। ये आवाज थी एक्ट्रेस पावली दाम की, रूबरू हो रही है मेरे यानी कि अनिमेश के। और मैंने जब उनसे पूछा कि इस मूवी में, होलचोई मूवी में म्यूजिक कैसा है और उनका फेवरेट गाना कौन सा है, तो उन्होंने क्या कहा, सुनेंगे बस ये थोड़ी ही देर में। राइट या राइट नाउ, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये जवानी है दीवानी हो जाए। आतिफ की आवाज में गानों को एंजॉय कीजिए। आज इस घंटे अनिमेश के रूबरू हैं नन अदर देन एक्ट्रेस पावली दाम। और भी ढेर सारे सवाल हैं मेरे दिमाग में, पूछूंगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आप सभी के लिए अरिजीत सिंह की आवाज फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी। शो का नाम है आज तो संडे है, मेरा नाम है अनिमेश और इस घंटे अनिमेश के रूबरू हो रही है नन अदर देन एक्ट्रेस पावली दाम। पावली के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे पूछा था उनकी आने वाली मूवी होई चोई के बारे में। जब मैंने पूछा कि इस मूवी में म्यूजिक कैसा है, म्यूजिक के बारे में कुछ कहना हो, तो उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। মিউজিক তো ভীষণই ভালো, মানে দেখো ভীষণ সিচুয়েশনাল মিউজিক গুলো অভিজিৎ বসু উনি করেছেন, ওনার কিন্তু আগেও মানে আমার ছবিতে করেছেন, খুবই ভালো। ফোকটা বিশেষ করে অভিজিৎ দাস মানে একদম আয়ত্তে বলা যায়, মানে হি ইজ মাস্টার ইন ইট। তো ফোক মিউজিক কিছু আছে, গান আছে খুব সুন্দর, বাট ব্যাকড্রপে আমার একটা গানই লিপে আছে, সেটা বিক্রমের লিপে আছে। वैसे मैंने पूछा कि जब शूटिंग चल रही थी, शूटिंग के दौरान तो होईचोई मूवी में बहुत कुछ हुआ होगा, यानी कि बहुत ज्यादा होईचोई हुआ होगा, तो उन्होंने क्या कहा, सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी के लिए। रानी और राजा के लिए ये वाला गाना, रानी तू मैं राजा, गानों को सुनिए, आता हूँ बस से थोड़ी ही देर में। आप सुन रहे हो मेरे साथ यानी कि अनिमेश के साथ आज तो संडे है 93.5 रेड एफएम पर जाते रहो। 6:36 हो गया है टाइम। विशाल दरलानी की आवाज में बलम पिचकारी। शो का नाम है आज तो संडे है, मेरा नाम है अनिमेश और इस घंटे अनिमेश के रूबरू हो रही हैं एक्ट्रेस पावली दाम। जब उनके साथ मेरी बातें हुई तो मैंने उनकी आने वाली मूवी होईचोई के बारे में ढेरों सवाल पूछे। अब जब शूटिंग चल रही थी, शूटिंग के दौरान कितना होईचोई हुआ, क्या क्या हुआ, बताया पावली ने। আমরা সিনেমাটা মানে এই ছবিটা হইচই করতে করতে করেছি প্রচুর, মানে ইনফ্যাক্ট আমাদের ডিরেক্টর সে আমাদেরকে নিয়ে মানে গ্যাং অফ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস সবাইকে নিয়ে খুব টেনশনই ছিল, প্রেশারে ছিল, অনেক প্রচুর আনন্দ করেছি, মজা করেছি, হইহুল্লোড় করেছি। একটা ভালো ছবি, একটা সিরিয়াস মানে ইস্যুটা খুব সিরিয়াস নয়, ইস্যুটা ইজ ভেরি জেনারেল, মানে যে কোনো সবার মধ্যে এই প্রবলেমটা থাকে হয়তো।
वैसे जब मैंने पावली से पूछा कि इस मूवी में स्टेज दिखाया गया थिएटर दिखाया गया है तो कौन सा करना ज्यादा टफ है, थिएटर में जाकर स्टेज के ऊपर खड़े होके वन टेक में ही एक्ट करना वो ज्यादा टफ है या फिर एक्टिंग करना, उन्होंने क्या कहा जानेंगे बस थोड़ी ही देर में, राइट या राइट नाउ रमैया अवस्था भैया यानी कि हमारे प्रभु देवा की डायरेक्ट की हुई मूवी का गाना। साथ ही साथ सोनू निगम की आवाज में गानों को सुनिए, आता हूँ बस से थोड़ी ही देर में। आप सुन रहे हो मेरे साथ यानी कि अनिमेश के साथ, आज तो संडे है, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 9:50 हो गया है टाइम, ये थी आप सभी के लिए आतिफ असलम की आवाज जीने लगा हूँ, शो का नाम आज तो संडे है, मेरा नाम है अनिमेश और इस घंटे मेरे रूबरू हुई नन अदर देन एक्ट्रेस से पावली दाम। उनकी आने वाली मूवी का नाम है होई चोई और इस मूवी को लेकर ढेरों सवाल मैंने पूछे थे। जब मैंने पूछा कि इस मूवी में स्टेज दिखाया गया है थिएटर दिखाया गया है तो कौन सा करना ज्यादा टफ है, थिएटर में जाके वन टेक में एक्ट करना या फिर एक्टिंग करना कौन सा ज्यादा टफ है, ये सुनकर उन्होंने क्या कहा चलिए सुनते हैं। एक्टिंग तो सब जगह एक्टिंग, इट्स डिफिकल्ट एनीवेयर। थिएटर एक्टिंग इज डिफरेंट, ऑफ कोर्स फिल्म एंड सिनेमा एक्टिंग इज हां हां आई वुड से बोथ आर डिफिकल्ट। মানে থিয়েটারে তুমি অ্যাকশন মানে এখন ওখানে রিটেক করার কোনো চান্স নেই এবার, কিন্তু এখন অনেক মানে কি বলবো ইন্টারঅ্যাকটিভ হয়ে গেছে উইথ অডিয়েন্স। এবার মানে এখন থিয়েটারটা যারা করে আর কি প্রত্যেকেই খুব ভালো ভালো প্রোডাকশন হচ্ছে চারদিকে। অ্যান্ড আমি আমি যদি বলবো একটা হল ভর্তি লোক তাদের সামনে স্পন্টেনিয়াসলি ওই ওটা করা, দ্যাটস ইভেন ভীষণ টাফ। ওটা অফকোর্স ওটাও অনেক দক্ষতা লাগে, অনেক প্র্যাকটিস লাগে, রিহার্সাল লাগে, যার জন্য রিহার্সালগুলো করা হয়। আর ফিল্মের ক্ষেত্রে ফিল্ম অ্যাক্টিং ইজ ডেফিনেটলি টাফ বিকজ টেকনিক্যাল জায়গাগুলো ভীষণ মাথায় রাখতে হয়, লাইট ক্যামেরা এগুলো যেগুলো বেসিক সেটা মাথায় রেখে, ডায়লগ মাথায় রেখে, কো-অ্যাক্টরের লাইট যাতে না কাটি, শ্যাডো না পড়ে, সব তো দ্যাটস ইভেন different kind of different style. ये थी हमारे साथ नन अदर देन एक्ट्रेस पावली दाम। उनके आने वाले मूवी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं रेड एफएम की टीम की ओर से, यानी कि होई चोई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच पावली रेड एफएम को टाइम देने के लिए, समय देने के लिए। राइट या राइट नाउ चार चार सुपर हिट गाने हैं, एक के बाद एक सुनना पड़ेगा। तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना, तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना। गानों को सुनिए, आता हूँ बस थोड़ी देर में। आज बॉलीवुड के एक सिंगर का बर्थडे भी है तो फोन करके उन्हें विश भी तो करना है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।